नमस्कार, जीरो से जीनियस तक की इस स्पेशल वन लाइनर वीडियो क्विज टेस्ट में स्वागत है आपका। हम इस वीडियो क्विज टेस्ट में आपसे पूछेंगे वन लाइनर 30 इम्पोर्टेंट सवाल और उसके जवाब भी बताएंगे। ये वीडियो बनाने का मेन मुद्दा है आपके पढ़े गए सवालों को पुनः याद करवाना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपको जवाब सोचने के लिए मिलेंगे 3 सेकंड का समय, जो शुरू होता है अब। राइट आंसर होगा राजस्थान। क्वेश्चन नंबर टू, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर होगा पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर तीन, योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं? राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री। क्वेश्चन नंबर फोर, आईने अकबरी का लेखक कौन थे? राइट आंसर होगा अबुल फजल। क्वेश्चन नंबर फाइव, होम पेन कप किस खेल से संबंधित है? माफ करिएगा, होपमेन कप किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर होगा टेनिस। क्वेश्चन नंबर सिक्स, देश बंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? राइट आंसर होगा चित्तरंजन दास। क्वेश्चन नंबर सेवन, अशोक चक्र में कितने तिलियां होती हैं? राइट आंसर होगा 24। क्वेश्चन नंबर एट, भारत में सबसे पहले फिल्म कौन सी बनी थी? राइट आंसर होगा राजा हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर नाइन, सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? राइट आंसर होगा स्टेपीज। क्वेश्चन नंबर टेन, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? आंसर होगा फीमर, जो जांघ की हड्डी होती है। क्वेश्चन नंबर इलेवन, और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो आप अपने फोन के इंटरफेस के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके सिलेबस पे वर्क करता है। धन्यवाद। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? आंसर होगा विज्ञान के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 12, और रविश कुमार को दिया गया है 2019 का कलिंग पुरस्कार। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? आंसर होगा 120 दिन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? आंसर होगा कुली कुतुब शाह ने। क्वेश्चन नंबर 14, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? राइट आंसर होगा जस्तीकरण या गलवेनीकरण। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? राइट आंसर होगा दूध से। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? आंसर होगा फेयरी क्वीन। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? आंसर होगा चीनी आक्रमण के समय 26 अक्टूबर 1962 में। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है?
आंसर होगा आंध्र प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 19, विटामिन्स की खोज किसने की? आंसर होगा फंक ने। क्वेश्चन नंबर 20, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? आंसर होगा मुहम्मद बिन कासिम। कब किया था? 712 ईस्वी में ये अरब से आया हुआ था। स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? आंसर होगा आयरन, क्रोमियम और निकिल। क्वेश्चन नंबर 22, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? आंसर होगा कॉपर तथा टीन। क्वेश्चन नंबर 23, विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आंसर होगा स्कर्वी। क्वेश्चन नंबर 24, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया? आंसर होगा 1893 में। क्वेश्चन नंबर 25, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? आंसर होगा 13 अप्रैल 1919 को। क्वेश्चन नंबर 26, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? आंसर होगा 21 जून को। क्वेश्चन नंबर 27, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? आंसर होगा सारनाथ। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठी चार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? आंसर होगा लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का नाम क्या है? आंसर होगा सिद्धार्थ। क्वेश्चन नंबर 30, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? आंसर होगा ऋग्वेद। क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए सवाल है। यदि आप आंसर बता सकते हैं तो आपको सिंपली कमेंट बॉक्स में जाना होगा, वहां लिखना होगा क्यू फॉर यू और इसके राइट आंसर। मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? आपको पता होना चाहिए। या बॉल पेन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आप चाहो तो दोनों का आंसर भी दे सकते हैं, लेकिन एक का देना अनिवार्य है। और आपको बता दें, यदि आपको रेलवे एग्जाम देना है 2020 में, तो आपके लिए एक रेलवे वीडियो क्विज टेस्ट शुरू किए गए हैं, जो रोजाना आपको मॉर्निंग में 7 बजे मिल जाएंगे। उसे अवश्य देखिए, जिससे आपके नॉलेज बढ़ेंगे। उसमें साइंस, जीके और करेंट अफेयर्स के प्रश्न रहेंगे, जो आपसे पूछकर आपको उसका आंसर भी बताया जाएगा। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।